हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। 10,000 का जो बजट है ना, इस बजट में अगर आपको एक टैबलेट चाहिए तो बहुत ही मुश्किल है इस बजट में एक अच्छा टैबलेट सर्च करने में, क्योंकि मुश्किल से एक ही दो टैबलेट हैं जो इस बजट में अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं। बट अगर आप अपना बजट 2,000 पे और बढ़ा सकोगे तो आपको इस रेंज में अच्छा टैबलेट मिल जाएगा। तो आज हम कवर करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट टैबलेट जो आपको मिलते हैं 10,000 से 12,000 के रेंज में। और एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि इन टैबलेट्स में आप गेमिंग अच्छा खासा नहीं खेल पाएंगे। हां, जो छोटे मोटे गेम्स है वो आप इसमें खेल पाएंगे, बट हैवी गेमिंग के लिए टैबलेट्स नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और लिस्ट का जो 5वें नंबर का टैबलेट है वो है मोटोरोला का टैब G20। अब मोटो को यह टैबलेट का जो लोवेस्ट वेरिएंट है वो आपको 10,000 के अंदर मिल जाता है, और इस हिसाब से जो इसके स्पेसिफिकेशन है वो वैल्यू फॉर मनी है। चलिए बता देते हैं इस टैबलेट के बारे में। तो इसमें आपको 8 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, मीडियाटेक हेलियो P20T का प्रोसेसर जो की एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, बैटरी में 5100mAh का बैटरी, कैमरे में 5 मेगापिक्सल मेन एंड 2 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। मोटोरोला के टैबलेट हो या मोबाइल, उनमें एक चीज अच्छी है, इसमें भी आपको क्लीन UI मिलेगा, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 पे ये वर्क करेगा। इसके अलावा 3.5 का जैक इसमें अवेलेबल है, डॉल्बी एटमॉस स्पीकर है, और इसमें आपको 3GB का रैम एंड 32GB का वेरिएंट मिलेगा। हाँ, एक्सपेंडेबल मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा इसमें। बात करें इसकी प्राइस की तो इसका ओनली वाईफाई वेरिएंट मिलेगा आपको 9,999 रुपए का। तो अब बढ़ते हैं अपने 4th नंबर टैबलेट पे जो है लिनोवो का टैब M10। वैसे तो आपको M8 अंडर 10,000 अंदर मिल जाएगा, बट मैं आपको उसको सजेस्ट नहीं करूंगा। इस टैबलेट का परचेस कीजिए, 11-12 हजार के रेंज में टैबलेट आता है और बजट के हिसाब से बहुत ही अच्छा टैबलेट है। सबसे पहले इसके डिजाइन की बात करूं, डिजाइन इसका अच्छा है, ज्यादा मोटा भी नहीं है, ज्यादा थिकनेस भी नहीं है इसका, और वेट भी बहुत ही कम है। 85% इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। डिस्प्ले में आपको 10.1 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलता है, HD+ IPS LCD डिस्प्ले। परफॉर्मेंस में मीडियाटेक हेलियो P22 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर जिसमें 5000mAh का बैटरी है, कैमरे में 8 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स 10 मिलता है, अपडेट मिलेगा नहीं मिलेगा इसका मुझे अंदाजा नहीं है। इस टैबलेट में आपको 3GB का रैम मिलता है 32GB स्टोरेज के साथ, और इसमें आपको एक्सपेंडेबल मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा। उसके अलावा 3.5 का जैक अवेलेबल है, डॉल्बी एटमॉस के डुअल स्पीकर है, और यह टैबलेट Wi-Fi+4G दोनों को सपोर्ट करता है। तो एक अच्छा टैबलेट है, इसमें आपको फेस अनलॉक या फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है, बट फिर भी यह टैबलेट अच्छा है। अगर बात करें इसके प्राइस की तो इसका वाईफाई वेरिएंट आपको मिलेगा 11,998 रुपए का, बट आफ्टर बैंक ऑफर इसको परचेस करेंगे तो 11,000 के आसपास ही आपको देखने को मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने 3rd नंबर टैबलेट पे जो है नोकिया का टाइप T10। अब नोकिया का यह टैबलेट भी लगभग आपको 11 से 12 हजार के रेंज में मिलेगा, बट इसके बजट के हिसाब से जो इसके स्पेसिफिकेशन है वो अच्छे हैं। सबसे पहले डिजाइन की बात करूं, डिजाइन इसका बहुत ही सिंपल एंड अच्छा लगता है। वाली 375 ग्राम का इसका वेट है और 9mm का थिकनेस है। हाँ, थोड़ा सा मोटा है। अगर डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले में एक कमी है, इसमें आपको बेजल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। लगभग 85% इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, जो एक कमी है इस टैबलेट में। वैसे डिस्प्ले आपको 8 इंच का मिलता है HD+ IPS LCD डिस्प्ले, तो इसमें कोई कमी नहीं है, बट बेजल्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। परफॉर्मेंस इसका अच्छा है, इसमें आपको यूनिसॉक T606 का चिपसेट मिलेगा जो कि एक ऑक्टा कोर चिपसेट है, जिसमें 5250mAh का बैटरी है, कैमरे में 8 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। और इस टैबलेट की एक और पॉजिटिव चीज है, इसमें आपको क्लीन एंड्रॉइड मिलता है जिसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 वर्क करेगा। इसमें आपको 2 साल का OS अपडेट, 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिल जाएगा। उसके अलावा 3.5 का जैक अवेलेबल है, डॉल्बी एटमॉस स्पीकर है, और इसमें आपको 3GB रैम एंड 32GB का स्टोरेज मिलेगा, और एक्सपेंडेबल मेमोरी कार्ड का स्लॉट भी अवेलेबल है। उसके अलावा फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, फेस अनलॉक इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो एक अच्छा टैबलेट है ये भी 11-12 हजार रेंज के लिए। चलिए बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसका जो ओनली वाईफाई वेरिएंट का टैबलेट है वो आपको मिलेगा 10,999 रुपए का, बट अगर आप वाईफाई LTE लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 12,753 रुपए। अब बढ़ते हैं अपने 2nd नंबर टैबलेट पे जो है रियलमी का पैड मिनी। अब अगर आपको 10,000 के अंदर एक ओनली वाईफाई वेरिएंट टैबलेट चाहिए तो आप रियलमी पैड मिनी को सेलेक्ट कीजिए, बहुत ही अच्छा टैबलेट है ये। उसके अलावा इसका डिजाइन सभी टैबलेट से अच्छा मिलेगा और बहुत ही हल्का एंड पतला है। ओनली 372 ग्राम का इसका वेट है, 7.6mm के थिकनेस के साथ ही आता है। डिस्प्ले में आपको 8.7 इंच का HD+ TFT LCD डिस्प्ले मिलेगा, 81.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, ठीक ठाक बेजल्स हैं, ज्यादा बेजल्स में नहीं है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको यूनिसॉक T616 का चिपसेट मिलता है जो कि ऑक्टा कोर चिपसेट है, जिसमें रियलमी UI का सॉफ्टवेयर है जो कि बेस्ड एंड्रॉइड 11 पे, बैटरी में 6400mAh का बैटरी है जिसमें 18W का चार्जर सपोर्ट करेगा, कैमरे में 8 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। यह भी टैबलेट आपको Wi-Fi+4G दोनों मिल जाएगा, 3GB का रैम 32GB का स्टोरेज है, जिसमें आपको एक्सपेंडेबल मेमोरी कार्ड स्लॉट भी मिल जाएगा। हाँ, इसमें आपको फेस अनलॉक नहीं मिलेगा, फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा, बट इसका डिस्प्ले, प्रोसेसर, बैटरी जो 3 डिपार्टमेंट है वो बहुत ही अच्छा है 10,000 के हिसाब से। अगर आपको 10,000 टैबलेट चाहिए तो इसको आप जरूर चेकआउट कीजिए। बात करें इसकी प्राइस की तो इसका ओनली वाईफाई वेरिएंट मिलेगा आपको 9,999 रुपए का, बट अगर आप वाईफाई
5 प्लस 4G लेना चाहते हैं तो वो आपको मिलेगा 12,999 का। फाइनली बढ़ते हैं अपने फर्स्ट नंबर टैबलेट पे, जो है Samsung का गैलेक्सी टैब A7 लाइट। अब अगर आपको एक Samsung का टैबलेट चाहिए जिसमें आपको Samsung की नॉट सिक्योरिटी मिल जाए और Samsung के डिस्प्ले भी अच्छे होते हैं, तो अगर आपको वो टैबलेट चाहिए तो आप Samsung का यह टैबलेट चेकआउट कीजिए। हाँ, थोड़ा सा प्राइस का ज्यादा है बट स्पेसिफिकेशन आपको कमाल के मिलते हैं। चलिए बता देते हैं इस टैबलेट के बारे में। तो इसमें आपको 8.7 इंच का HD प्लस TFT डिस्प्ले मिलेगा, 81.3% इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। परफॉर्मेंस में आपको MediaTek Helio P22 का प्रोसेसर है जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। बैटरी में 5100mAh का बैटरी जिसमें 15 वाट का चार्जर सपोर्ट करेगा। बात करें कैमरे की तो 8 MP का मेन कैमरा एंड 2 MP का सेल्फी कैमरा है। सॉफ्टवेयर की बात करें, Samsung OneUI का सॉफ्टवेयर जो कि बेस्ट एंड्रॉइड 11 पे। इसमें आपको 3GB रैम 32GB स्टोरेज मिलेगा, एक्सपेंडेबल मेमोरी का स्लॉट अवेलेबल है। उसके अलावा यह भी टैबलेट आपको वाईफाई एंड 4G दोनों मिल जाएगा। बात करें अगर इसके प्राइस की, तो इसका जो वाईफाई वेरिएंट है वो आपको मिलता है 11,999 का, बट अगर आप 4G वेरिएंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 12,999। तो यही 5 टैबलेट्स हैं जो आपको लगभग 11,000 से 12,000 के रेंज में मिलता है। सभी टैबलेट्स अच्छे हैं। अगर आपको एक टैबलेट सिलेक्ट करना हो तो मैं बोलूंगा आप रियलमी या Samsung से कोई एक सिलेक्ट कीजिए, दोनों अच्छे टैबलेट हैं। जिसमें मल्टीमीडिया एंड गेमिंग भी करना चाहें तो आप अच्छे खासे कर सकते हैं और ब्रांड वैल्यू भी इनका अच्छा है। वैसे आपका क्या मानना है इन सभी टैबलेट्स के बारे में कमेंट बॉक्स में तुमने जरूर बताइए। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।